हरिः ओम्। प्रथमः स्कन्दः अष्टमोऽध्यायः चतुश्चत्वारिंशत्तमः श्लोकः। सूत उवाच पृथयेत्थं कलपदैः परीणूताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव माया। सुत जी कह रहे हैं, हे शौनकादि ऋषिगण, पृथया इत्थम अर्थात कुंत्या इत्थम कलपदैहि, पदन नाम शब्दाः, कलम नाम मधुराः, मधुरैहि शब्दैहि यदा स्तुतिः कृता, परमात्मनः विविधाः लीलाः ताः सर्वाः गीताः हृद्गतः भावोऽपि प्रकटीकृतः भवतः एव आश्रयः, अतः गन्तुं न शक्नोति भवान्। एतत् सर्वं हृदयस्थं यद् भावपूर्णं मधुरपदैः गीतं, बड़ा ही मधुरपदों से जब गाया, उसी समय भगवान मंदं जहास परमात्मना श्रीकृष्णेन मंदं मधुरं सर्वप्रथमं तु स्मितं कृतं, मंदं स्मितं कृत्वा माया मोहयन इव सः भगवान अधुना मंदं हास्यं करोति। जब पृथा जी ने, कुंती माता ने मधुर शब्दों के द्वारा संपूर्ण भगवान की अंतःकरण में स्थित अनन्य निष्ठा वाली स्तुति करी, जब भगवान का ही दृढ़ आश्रय है, आपको छोड़ करके हम कहाँ जाए, मोरो तो गिरधर वर गोपाल दूजो कौन भावे, जब यह भाव भगवान की अनन्य शरणागति, भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा, भगवान का दृढ़ आश्रय और ऐसी बातों को सुनकर के भगवान भी वैकुंठः, भगवान जैसे अपनी माया से माँ कुंता को मोहित करते हुए मंद मंद भाषण करने लगे, मंद मंद हास्य करने लगे, भाषण तो बाद में आएगा लेकिन पहले तो धीरे से हास्य करने लगे कि प्रभु हे माँ हे कुंती, बड़ा ही भाव हृदय में है, बड़ा ही हमारे प्रति दृढ़ आश्रय है, बड़ी निष्ठा है, इस तरह से मन में मुस्कान करने लगे, मुस्कुराते रहे, हरिशरणम मम हरिशरणम नमो नमः।